नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज पढ़ने वाले हैं गणित परिचय फोर्थ क्लास का एक्सरसाइज ये कहते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज कहाँ चला गया। एक्सरसाइज उन्नीस में दिया हुआ है क्या, सरलीकरण। ठीक है ना, सरलीकरण कैसे हल करते हैं पिछले वीडियो हम आप लोगों को बता चुके हैं, फिर आज भी बता देते हैं आप लोग। ठीक ना, जैसे हम लोग जोड़ अलग पढ़ते हैं, गुणा अलग पढ़ते हैं, घटा अलग पढ़ते हैं, भाग अलग पढ़ते हैं, इनमें क्या करता है मिक्सचर देता है, उसको बोलते हैं सरलीकरण। ठीक ना, जैसे हम लोग दाल अलग बनाते हैं, भात अलग बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं, जब खाना होता है तो क्या करते हैं सबको मिक्सचर करके ठूस लेते हैं। ठीक ना, अब देखिए ठूसना भी होता है क्या, पहले भात लेते हैं, फिर दाल को, फिर सब्जी को। उसी टाइप से इसमें भी पहले का क्रिया होता है, फिर भाग का क्रिया होता है, फिर गुणा का क्रिया होता है, फिर जोड़ का, फिर घटा का। तो चलिए हम लोग देखिए पांचवा नंबर तक सवाल को क्या करे थे, हल किए थे। आज से करेंगे छठा नंबर सवाल को हल। इसको क्या करते हैं, मिटा देते हैं। ठीक, छठा नंबर में दिया हुआ है 16 गुना 12 भाग 6। तो क्या किया, पहले का कर हल करते हैं, का नहीं रहता तो किससे हल करते हैं, भाग को। ठीक है, 12 में भाग देंगे, 12 से 12 में भाग देंगे कितना, 6 से। पहले 16 को उतार दिए, फिर गुना 12 में अगर 6 से भाग दीजिएगा तो 2 निकलता है, तो यहाँ पे 2 ले लीजिए। अब देखिए 16 गुना किसका क्रिया करना है, इसका गुना का। 16 गुना 2 कितना होता है, 32 होता है। इसका हल हो चुका है। ठीक, अब आते हैं अगले सवाल में, यहाँ नंबर दे देते हैं 6। अब आते हैं सातवें नंबर सवाल में लिखा हुआ है 25 भाग 5, फिर का, फिर 5 गुना 2, फिर का, फिर 3। ठीक, 3 फिर जोड़, 5 घटा 4। किसका क्या करना है, सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, किसका, का जहाँ जहाँ का है उसका हल कर देते हैं। लिखेंगे 25 भाग, यहाँ 5 गुना 5 कितना होता है, 25 हो जाएगा। का मतलब भी क्या होता है, गुना होता है। ठीक, अब यहाँ बीच में गुना लेते हैं, गुना होते हैं, फिर 2 3 6 हो जाएगा, फिर जोड़ 5 6 घटा 4। अब ये 25 में, अब ये का क्रिया हो चुका है, अब किसका क्रिया होगा, भाग का। 25 में भाग देंगे, 25 से कितना निकलेगा, 1, फिर गुना 6, फिर जोड़ 5 फिर घटा 4। अब किसका क्रिया करना है, का हो चुका है, भाग हो चुका है, अब किसका क्रिया करना है, गुना का करना है। ठीक, 6 गुना 1 तब 6 जोड़ 5 घटा 4। अब गुना का क्रिया हो चुका है, अब किसका क्रिया करना है, जोड़ का। 6 और 5 कितना होता है, 11 घटा 4। अब 11 में से 4 को घटा देंगे, कितना निकले, 7। अब आते हैं सात का हो चुका है, अब आते हैं 8 नंबर सवाल में। ठीक, चलिए अब बनाते हैं हम लोग 8 नंबर सवाल का। तो इसमें भी क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग का हल करेंगे। देखिए 50 का 4, इसका मतलब क्या है, 50 गुना 4 करना है, 50 गुना 4 कितना होता है, 200। ठीक, 200 फिर भाग देंगे कितना, 10, फिर का हो गया, 10 नहीं देंगे, क्यों नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ का मतलब होता है गुना, तो 10 और गुना 20 ना, 10 गुना 2 तो कितना, 20 सॉरी। अब क्या घाटा का चिन्ह, घाटा का चिन्ह के गुना का तो अभी हल नहीं करना है, पहले भाग का करना है, फिर गुना करना है। ठीक, 5 गुना 6 जोड़ 10 गुना 3। अब ये 20 से भाग देना है किसे, 200 से, तो 200 से भाग देंगे 20 का, 20 को 10 और पड़ेगा तो 200 होता है, तो इसका मतलब 200 में अगर हम लोग 20 से भाग देते हैं तो आंसर कितना आता है, 10। तो यहाँ पे क्या कर दीजिए, इन्हों को हल करने पे आंसर कितना आता है, 10। फिर घटा, अब गुना का हल कर सकते हैं, पहले उतार लीजिए 5 गुना 6 जोड़ 10 गुना 30। ठीक, फिर क्या करेंगे, 5 गुना 6 कितना हुआ, 30, फिर जोड़ 10 गुना 3 कितना हुआ, 30। अब देखिए जोड़ में 30
घटा में 30 खत्म हो गया, बचा कौन सी खलिया 10। ठीक, इसी प्रकार से हम लोग 9 नंबर का सवाल को हल कर देते हैं। यहाँ लिखते हैं 9 नंबर। ठीक, दिखता है कि नहीं आपको? दिखता है। ठीक, लिखा है 24 भाग 6 का 2 जोड़ 15 घटा 3 गुना 4। अब देखिए 24 का 24 उतर जाएगा, भाग 6 दुनी 12 जोड़ 15 घटा 3 गुना 4। अब का हो चुका है भाग होगा, तो 12 दुनी 24, मतलब 24 में भाग देंगे 12 से कितना निकलेगा 2, फिर जोड़ 15 घटा 3 गुना 4। अब देखिए भाग हो चुका है, किसका करना है जोड़ गुना का, 2 जोड़ 15 घटा 3 चौका 12। अब गुना हो चुका है, किसका क्रिया करना है 15 दू 17, 17 घटा 12, 17 में से 12 घटाएंगे तो आएगा आंसर 5। ठीक, 9 हो चुका है, अब करेंगे हम लोग इसी टाइप से 10 नंबर का सवाल, इसको स्टॉप कर देते हैं। अब करते हैं हम लोग 10 नंबर का सवाल, वही करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग इस सवाल में भाग करेंगे। अब देखिए 432 भागा कितना है 108, तो 108 से भाग देंगे किसमें 432। अब देखिए 108 में हम लोग 4 से अगर इसमें गुना करते हैं, 4 8 32, 4 1 4, 432 पूछ जाता है, इसका मतलब 108 को पहाड़ा अगर 4 बार हम लोग पढ़ेंगे तो कितना आएगा 432। ठीक, 432 कितने बार में खाया 4 बार में, इसका मतलब इन दोनों की जगह हम लोग कितना लिखना है 4 लिखना है। ठीक, लिखेंगे 100 जो 4 गुना 8 घटा, इन दोनों की जगह कितना लिखना है हम लोगों को 4 लिखना है। अब देखिए भाग का क्रिया हो चुका है, ठीक, अब करेंगे गुना का, 100 जो 4 अठा 32, मतलब 4 का 4 4 और गुना 8 करना है, 8 चौका 32 घटा 4, 100 और जोड़ 32, 132 होता है, 132 घटा 4, 132 में घटाएंगे कितना को 4 को, 12 में से 4 गया 8, इधर बचा 2, 2 इधर 1, इसका आंसर हुआ कितना 128। ठीक, अब हम लोग बनाएंगे 11 नंबर सवाल को, 11 नंबर में दिया हुआ है 8 जोड़ 10 भाग 2 घटा 2 गुना 1 जोड़ 5 का 2 भाग 5। तो सबसे पहले इसमें हम लोगों को क्रिया किसका करना है का, और टोटल अंक को क्या करें उतार देंगे, 8 जोड़ 10 भाग 2 घटा 2 गुना 1 जोड़ 5 दुनी 10 भागा फिर 5। अब का हो चुका है, किससे क्या करना है भाग का, 10 का 10 को भाग देना है 2 से, कितना निकलेगा इसको हल करेंगे निकलेगा 5, फिर घटा 2 गुना 1 फिर जोड़, फिर 10 का 10 को 5 से देंगे भाग, तो कितना निकलेगा 2। अब देखिए का हो चुका है, भाग हो चुका है, किसका क्रिया करना है गुणा का, 8 जोड़ 5 घटा 2 का 2 जोड़ 2। अब किसका क्रिया करना है जोड़ का, 8 5 13, 13 दो 15 घटाना है 2, 15 में से 2 घटेगा वो कितना बचेगा 13 बचेगा। ठीक, अब हम लोग बनाएंगे 12 नंबर का सवाल। ठीक, देखिए अब आते हैं हम लोग 12 नंबर सवाल में, 12 में 30 भागा 3 घटा 4, 5 गुना 3 जोड़ 8 का 3 भागा 4 प्लस जो 8। ठीक ना, इसको भी उसी टाइप से हल करेंगे, सबसे पहले का क्रिया करना है, तो 30 भाग 3 घटा 5 गुना जोड़ 3 जोड़ 8, 8 नहीं लिखना है क्योंकि यहाँ पे 8 का 3 है तो 8 दिया, 24 भाग 4 जोड़ 8 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए का क्रिया कर चुके हैं, कितना किसका भाग का,
तीस में हम लोग भाग देंगे 300 तो आएगा 10, फिर घटा 5 × 3 जोड़ 4, 24 में भागा देंगे 4 से, 24 जोड़ 8, ठीक। अब भाग का क्रिया भी हो चुका है, क्रिया करना है गुना का, तो 10 घटा 5 दिया 15 जोड़ भाग का गुना का क्रिया करना है, 10 घटा 5 × 3 = 15 जोड़ 6 जोड़ 8। अब गुना का भी क्रिया हो चुका है, तो तीसरा क्रिया करना हम लोगों को जोड़ का, 8 और 6 कितना हुआ 14, 14 और 10 कितना होता है 24, घटाना कितना है 15, 24 में से 15 घटाइएगा तो 14 में से 5 गया 9, यहाँ 1 बचे गया 0, मतलब कि बचा कितना, बच कुछ के 9 बचा, ठीक। अब आते हैं हम लोग कितना नंबर सवाल में, 13 नंबर सवाल में, ठीक। ध्यान से देखिएगा, 25 × 4 कर देंगे तो हम लोग तो होगा कितना, 25 × 4 4×5 = 20 का 0 हासिल, 2×4 = 8, 2×10 कितना होता है 100 होता है, तो 100 लिखिए, फिर भाग 2 जोड़ 8 भाग 4×8 घटा 17 × 3 होता है। अब का क्रिया कर चुका है, किसका क्रिया करना है हम लोगों को, भाग का करना है, 100 में 2 से भाग दीजिए 5×10 खत्म, 0 को 0 से भाग देना है, कितना निकला 50, इसको करेंगे हल तो निकलेगा 50, फिर जोड़ 8 में 8 से भाग दे 1 निकलेगा, फिर घटा 17×3। अब भाग का क्रिया हो चुका है, किसका क्रिया करना है, चलिए यहाँ यहाँ लिखते हैं 17×3 50 + 1 घटा 17 = 51। अब गुना भी हो चुका है, तो 50 एक कितना हुआ 51 हुआ, और इधर एक घटाना 51, 51 से 51 में घट गया तो क्या बचा, बड़का सा लड्डू बचा, ठीक। एक्सरसाइज 19 हो गया है ख़त्म, ठीक। अब हम लोग पढ़ेंगे कल से एक्सरसाइज 20, ठीक ना, बढ़िया से।